हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? पढ़ाई सभी की ठीक से चल रही है? उम्मीद है सभी बच्चे पूरी तन्मयता के साथ, पूर्ण मनोभाव के साथ अपनी क्लासेस पढ़ रहे होंगे। ओके, आज बेटा हम लोग ऊष्मीय प्रसार के आगे चैप्टर में बढ़ेंगे और आज का हमारा चैप्टर है ऊष्मा स्थानांतरण। ऊष्मा स्थानांतरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हीट ट्रांसमिशन। हीट ट्रांसमिशन इसका बेटा आज लेक्चर नंबर 1 है हमारे सामने और आज हम लोग हीट ट्रांसमिशन चैप्टर स्टडी करेंगे। ऊष्मा स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? ऊष्मा स्थानांतरण का क्या अर्थ है? ऊष्मा स्थानांतरण का अर्थ होता है ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ऊष्मा स्थानांतरण का मतलब होता है ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ही ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है, हीट ट्रांसमिशन कहलाता है। ओके, अब ऊष्मा स्थानांतरण 3 विधियों से होता है, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर 3 विधियों से जाती है, राइट? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन? दे आर 3 टाइप्स। ऊष्मा स्थानांतरण 3 विधियों से होता है। तो ये हो गया बेटा हमारा ऊष्मा स्थानांतरण और ऊष्मा स्थानांतरण 3 विधियों से होता है। सबसे पहली विधि है चालन, दूसरी विधि है संवहन और तीसरी विधि है विकिरण। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से होता है। पहला है हमारा चालन, दूसरा है हमारा संवहन और तीसरा है विकिरण। चालन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन, संवहन को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन और विकिरण को इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। यानी ऊष्मा 3 विधियों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट होती है। तो अब हम इस चैप्टर के 3 पार्ट कर देते हैं, 3 हिस्से कर देते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर टू बी कंडक्शन, इसको हम चालन कहते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ हीट ट्रांसमिशन कन्वेंशन एंड थर्ड पार्ट ऑफ हीट ट्रांसमिशन रेडिएशन। यानी ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से हो सकता है। तो इस चैप्टर को भी हम 3 भागों में बांट देते हैं, चालन, संवहन और विकिरण, राइट? तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर डिस्कस करेंगे चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। क्लियर? तो पहले राउंड में हम चालन को एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे राउंड में हम संवहन को एक्सप्लेन करेंगे और तीसरे राउंड में हम विकिरण को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो किसका है? चालन, कंडक्शन। ठीक है भाई, तो अब हम देखेंगे चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थान। चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, राइट? हेडिंग डालिए तो बेटा चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। आपको बता दें कि इस विधि द्वारा ऊष्मा प्रायः ठोसों में स्थानांतरित होता है। किसमें?
ठोसों यानी चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण प्रायः ठोसों में होता है, सॉलिड में होता है। जैसे किसी लोहे की ठोस क्षण में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो कैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए एक क्षण, ये इस क्षण का परिच्छेद क्षेत्रफल है और दूसरा ये क्लियर। हमने सबसे पहले इस परिच्छेद को ऊष्मा देना प्रारंभ किया, इस परिच्छेद को हमने कितनी ऊष्मा प्रोवाइड की, कैपिटल क्यू। क्यू ऊष्मा हमने इस सेक्शन को सबसे पहले, जब इस परिच्छेद को आप ऊष्मा देंगे तो इस परिच्छेद पर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे इस ठोस के, इस क्षण के, वो सब इस ऊष्मा को पहले बेटा ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके अपना टेम्परेचर रेज करेंगे, यानी अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक, समझ में आए। अब अगर हम यहां पर एक थर्मामीटर लगा दें, यहां पर एक थर्मामीटर लगा दिया जाए और ये थर्मामीटर इस बात को रीड करेगा, पढ़ेगा कि इस पृष्ठ का टेम्परेचर कितना हो गया है, तो इस पृष्ठ पर के सभी मॉलिक्यूल जब तक सेम टेम्परेचर पर नहीं आ जाएंगे, समान ताप पर नहीं आ जाएंगे, तब तक ये पृष्ठ हीट को एडॉप्ट करता रहेगा, ऊष्मा को अवशोषित करता रहेगा। जब इस पृष्ठ के सारे मॉलिक्यूल सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, इक्वल टेम्परेचर पर आ जाएंगे, तब ये पृष्ठ ऊष्मा को ग्रहण करना बंद कर देगा, फिर ये ऊष्मा को एडॉप्ट नहीं करेगा, राइट। लेकिन हम तो इसको ऊष्मा दे रहे हैं, तो फिर ये ऊष्मा कहां जाएगी, तो ये परिच्छेद क्या करेगा, अब अपने बगल वाले परिच्छेद को, अपने पड़ोसी परिच्छेद को इस ऊष्मा को ट्रांसमिट करेगा, स्थानांतरित करेगा। तो अब ये ऊष्मा इस परिच्छेद से इस परिच्छेद को मिलना प्रारंभ हो जाएगा और इस पृष्ठ पर जितने मॉलिक्यूल हैं वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे। सपोज कीजिए इस पृष्ठ पर जितने मॉलिक्यूल हैं उन्होंने अपना ताप कितने डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया, 100 डिग्री सेल्सियस तक, क्लियर। अब इसके बाद इस पृष्ठ पर जितने मॉलिक्यूल हैं, अगर हम यहां पर एक थर्मामीटर लगा दें, ये थर्मामीटर लगा दिया जाए तो ये कितना पड़ रहा है, 90 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो इस पृष्ठ पर जितने सारे मॉलिक्यूल हैं, इस पृष्ठ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी मॉलिक्यूल्स अपना टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जो ऊष्मा इसको मिली थी तो इसका जितना ताप था इसका ताप उतना क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ऊष्मा इस क्षण के वक्र पृष्ठ से, इसके कर्व सर्फेस से कहां चली जाती है, बाहर चली जाती है, मीडियम में ट्रांसफर हो जाती है। अगर हम इस ऊष्मा को बाहर जाने से रोक लें तो जितना टेम्परेचर इसका है उतना टेम्परेचर इसका भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ये ट्रांसमिशन एटमॉस्फेयर में वक्र पृष्ठ के माध्यम से होता रहेगा तो फिर इसका तापमान इसके ताप से कम होगा। लेकिन इस पृष्ठ पर जितने मॉलिक्यूल होंगे उन सबका ताप समान होगा, इस पृष्ठ पर जितने मॉलिक्यूल होंगे उनका भी टेम्परेचर समान होगा, इसलिए ये दोनों ही पृष्ठ, चूंकि इन दोनों ही पृष्ठों के ताप समान है, इस पृष्ठों पर उपस्थित सभी अणुओं के सभी मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर सेम है, इसलिए हम इस पृष्ठों को कहते हैं समतापी पृष्ठ। क्या कहते हैं, समतापी पृष्ठ, आइसोथर्मल सर्फेस। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल सर्फेस, समतापी पृष्ठ कहते हैं। अब इसके बाद बेटा जब इसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूल ऊष्मा स्थानांतरण करना बंद कर देंगे, तो फिर ये अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल पृष्ठ को ऊष्मा स्थानांतरण करना प्रारंभ करेंगे और सेम है इसका भी टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा, कुछ ऊष्मा वक्र पृष्ठ के माध्यम से बाहर ट्रांसमिट हो जाती है, इसलिए जो ऊष्मा पिछले परिच्छेद को मिली थी वो ऊष्मा अगले परिच्छेद को प्राप्त नहीं होगी और इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस।
लेकिन इस पृष्ठ पर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उन सबका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस ही होगा, यानी यह पृष्ठ भी क्या कहलाएगा, समतापी पृष्ठ कहलाएगा। और इसके बाद ये पृष्ठ अगले परिच्छेद को ऊष्मा स्थानांतरित करना प्रारंभ कर देगा और यह पृष्ठ भी ऊष्मा को अडॉप्ट करके अपने टेम्परेचर को रेज करेगा, बढ़ाएगा। ये मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है। तो ये सारे पृष्ठ कैसे पृष्ठ कहलाते हैं, समतापी पृष्ठ कहलाते हैं, आइसोथर्मल सरफेस कहलाते हैं, क्लियर। और इसमें भी कुछ हीट एटमॉस्फेयर में वक्र पृष्ठ के माध्यम से ट्रांसफर हो जाती है। अगर हम किसी भी प्रोसेस से इस वक्र पृष्ठ से जाने वाली ऊष्मा को रोक ले, ब्रेक कर दे, तो फिर सभी पृष्ठों के ताप समान किए जा सकते हैं। कंफर्म, बात समझ में आई? तो अब देखो बेटा, इस सिरे को मैंने ऊष्मा देना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये सिरा भी गर्म हो गया, जबकि पृष्ठ का कोई भी मॉलिक्यूल अपना स्थान नहीं छोड़ता है, पृष्ठ का कोई भी मॉलिक्यूल अपने स्थान से नहीं हटता है, केवल वो ऊष्मा एडॉप्ट करता है, अपना तापमान बढ़ाता है और अपना तापमान बढ़ाने के बाद वो ऊष्मा बगल वाले परिच्छेद को स्थानांतरित कर देता है, क्लियर। तो जो चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसमें खास बात क्या है, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें पदार्थ का कोई भी मॉलिक्यूल अपना स्थान नहीं छोड़ता है, केवल ऊष्मा को ट्रांसमिट करता है, स्थानांतरित करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है ठोसों में, ये सबको समझ में आया, बोलो भाई। अब जैसे आप कॉमन लाइफ में इस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण कहां देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई लोहार जो किसी लोहे की छड़ को गर्म करता है, ठीक, तो वो छड़ के एक सिरे को भट्टी में लगा देता है, वह सिरा ऊष्मा को एडॉप्ट करता है और धीरे धीरे वह सिरा अन्य परिच्छेदों को ऊष्मा स्थानांतरित करता है और छड़ का दूसरा किनारा भी गर्म हो जाता है। इसीलिए लोहार जब दूसरे सिरे को पकड़ता है तो किसी प्लास से उसको मजबूती से पकड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि दूसरा सिरा भी गर्म हो चुका है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से दैनिक जीवन में ऊष्मा स्थानांतरण ठोसों में किस प्रकार से होता है आप सभी ने देखा। तो बेटा इस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण ठोसों में किया जाता है, राइट, नोट कीजिए इसको। क्लियर बेटा? तो यह चीज सबको समझ में आ गई। अब देखिए, जिस समय ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा होता है उस समय दो अवस्थाएं इस क्षण में पाई जाती है, कौन कौन सी? एक होती है ऊष्मा चालन की परिवर्ती अवस्था, वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन। ऊष्मा चालन की परिवर्ती अवस्था क्या होती है? देखो बेटा, जब इसको ऊष्मा स्थानांतरित की जा रही थी तो आप देख रहे थे कि समय के साथ इसके हर परिच्छेद का टेम्परेचर बदल रहा था, चेंज हो रहा था। इसका पहले 0 से 100 तक हुआ होगा, फिर इसका 0 से 90 तक हुआ होगा, इसका 80 तक हुआ होगा, इसका 70 तक हुआ। तो यदि किसी ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण इस प्रकार हो रहा है कि उस ठोस के प्रत्येक परिच्छेद का ताप समय के साथ बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो यह अवस्था ऊष्मा चालन की परिवर्ती अवस्था है, वेरिएबल स्टेट है, कंफर्म। अब इसके बाद देखिए, पहले तो वेरिएबल स्टेट पाई जाती है, धीरे धीरे इस क्षण के प्रत्येक परिच्छेद का ताप समान हो, जैसे पहले इस परिच्छेद का ताप 0 to 100 हुआ हो, लेकिन जब इसका 100 टेम्परेचर हो गया, इसके बाद इसने ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का अवशोषण करना बंद कर दिया,
ऊष्मा को एडॉप्ट करना बंद कर देता है। तो किसी भी ठोस में जब ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा हो तो उसकी वह अवस्था जब उसका प्रत्येक परिच्छेद ऊष्मा को ग्रहण करना बंद, ग्रहण करना बंद कर दे, बल्कि प्राप्त ऊष्मा को अगले परिच्छेद को ट्रांसमिट करना शुरू कर, अगले परिच्छेद को ट्रांसमिट करना शुरू कर। तो ऊष्मा चालन की वह अवस्था जब क्षण का प्रत्येक परिच्छेद स्वयं ऊष्मा को ग्रहण न करके प्राप्त ऊष्मा को अगले परिच्छेद को ट्रांसफर कर दे, अगले परिच्छेद को स्थानांतरित कर दे, वह अवस्था उसकी स्थायी अवस्था कहलाती है, स्टेबल स्टेट कहलाती है। तो दूसरी हमारी ऊष्मा चालन की स्थायी अवस्था, स्टेबल स्टेट क्या होती है सबको समझना है। तो ऊष्मा चालन की बेटा दो अवस्थाएं होती हैं, एक स्थायी अवस्था होती है और एक परिवर्ती अवस्था होती है। परिवर्ती अवस्था क्या है सबको समझ में आ गया, और स्थायी अवस्था क्या है सबको समझ में आ गया। दोबारा से मैं एक बार फिर डिफाइन कर रहा हूं, ऊष्मा चालन की वह अवस्था जिसमें उस क्षण के प्रत्येक परिच्छेद का ताप समय के साथ बदल रहा हो परिवर्ती अवस्था कहलाती है, और ऊष्मा चालन की वह अवस्था जिसमें क्षण का प्रत्येक परिच्छेद स्वयं ऊष्मा को ग्रहण करना बंद कर दे और ग्रहण की गई ऊष्मा को अगले परिच्छेद को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दे, यह अवस्था उसकी स्थायी अवस्था कहलाती, स्टेबल स्टेट कहलाती। क्लियर? यहां पर हम एक विशेष भी देखेंगे, यहां पर हमें एक विशेष को भी देखना है। वो विशेष क्या है? अक्सर कर बच्चे स्थायी अवस्था का मतलब क्या समझ लेते हैं, अक्सर कर बच्चे स्थायी अवस्था का मतलब समझते हैं कि पूरी क्षण का ताप समय है। ये ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल में भी आपको लिखा मिलेगा स्थायी अवस्था। तो स्थायी अवस्था का मतलब बच्चों के दिमाग में यह रहता है कि स्थायी अवस्था माने होता है कि पूरी क्षण का ताप समय है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्थायी अवस्था का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि पूरी क्षण का ताप समान है, बल्कि स्थायी अवस्था का मतलब होता है क्षण के प्रत्येक परिच्छेद का ताप समान, क्षण के प्रत्येक परिच्छेद का ताप समान है, यानी द टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द रॉड टू बी कॉन्स्टेंट बट नॉट द कंप्लीट रॉड। उस पूरी क्षण का ताप एक समान नहीं होता है, उस क्षण के प्रत्येक परिच्छेद का ताप समान होता है। तो यही अवस्था उसकी स्थायी अवस्था कहलाती है। तो स्थायी अवस्था का मतलब आप ये कदापि ना निकालें कि पूरी क्षण का ताप समान है, स्थायी अवस्था का मतलब होता है क्षण के प्रत्येक परिच्छेद का ताप समान है। क्लियर बेटा? तो ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए। समझ आ गया बेटा सबको? तो ऊष्मा, आज मैंने आपको इस चैप्टर में बताया कि ऊष्मा स्थानांतरण कितने विधियों से किया जा सकता है। ऊष्मा स्थानांतरण तीन विधियों से हो सकता है, चालन, संवहन, विकिरण, जिसमें मैंने आपको पहले आज स्टार्ट किया है चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ठोसों में प्रायः होता है, ठोसों में किस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और ऊष्मा स्थानांतरण की विशेषता यह है कि इस विधि से पदार्थ का कोई मॉलिक्यूल अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, केवल हीट को ट्रांसमिट करेगा, वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन। इसके अलावा मैंने आपको बताया ऊष्मा चालन की परिवर्ती अवस्था क्या होती है और ऊष्मा चालन की स्थायी अवस्था क्या होती है। स्थायी अवस्था का मतलब चालक क्षण के प्रत्येक परिच्छेद का ताप समान होता है, ना कि पूरी क्षण का ताप समान होता है, राइट? तो उम्मीद है बेटा आज का ये वीडियो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। सारे बच्चे इसको ध्यान से इस वीडियो को पढ़ेंगे और अपने कॉपी में इसके नोट्स तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे। क्लियर? तो
उम्मीद है बेटा सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सभी बच्चे इसी प्रकार से ऑनलाइन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे।